राजनांदगांव जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने अपना मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर एक दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि जब तक हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते तब तक हमें कलेक्टर दर तो दिया जाए। इसके साथ ही महिला बाल विकास विभाग का कार्य तो हम कर ही रहे हैं, इतना सारा कार्य करने के बाद भी हमारे मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। हम जब भी धरना देंगे तो अपने मानदेय को ही लेकर धरना देंगे। जितना भी हम लोग को मानदेय दे रहा है उसमें हम लोग कमी नहीं है। हम मानदेय दे रहे हैं, मान सेविका बना के हम लोग को केंद्र सरकार का योजना है, राज्य से लड़ते हैं तो केंद्र सरकार का योजना है उससे लड़ो बोलते हैं, और केंद्र से बोलते हैं तो सोचा जाए तो हम लोग को 4,500 दे रहे हैं तो उसमें हम लोग का घर गृहस्थी भी नहीं चल पाता है। और उसको तो मतलब ये करना चाहिए, जिस राज्य सरकार हमको कई प्रकार का काम दे देते हैं, राज्य सरकार अभी महतारी बंधन का जो योजना हमने निकाला है उसमें उसको हम ही लोग को दे रहे हैं। हम लोग अभी महतारी बंधन में काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग को ऑनलाइन करने में परेशानी हो रहा है ना, हम लोग का उसमें कुछ पेमेंट भी नहीं बनेगा ना कुछ, और हम लोग को काम दे रहा है उसमें। हम लोग चाहते हैं कि हमारी लड़ाई ये शासन से केंद्र सरकार से है कि हम लोग को मानदेय न्यूनतम मानदेय दिया जाए।